Hello learners, in last lecture we learned about what is living. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बेसिस पे हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग की नॉन लिविंग की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे ठीक है हमने फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो ग्रोथ हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास uh, में तो ग्रोथ uh, में हमने देखा था कि जो ग्रोथ होती है वो इंट्रेंसिक भी होती है एक्सट्रेंसिक भी होती है लेकिन जो ग्रोथ होती है उसे हम मेन कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की की नहीं बोल सकते जो ग्रोथ होती है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बोल सकते बिकॉज एक तो होता है कि एक प्लांट है ठीक है टाइम के साथ साथ वो ग्रो करता गया ठीक है और एक क्या होता है कि आपके पास रेत का टीला है हवा आई बहुत तेज़ आंधी तूफान चला तो इस रेत के टीले के ऊपर और 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 मिट्टी डिपॉजिट होती जाएगी ठीक है जो गार्बेज के जो बड़े बड़े ढेर होते हैं वो बड़े होते जाते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम तो ग्रोथ तो वो भी हुए ना तो हम ग्रोथ को क्राइटेरिया नहीं बोल सकते डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते लिविंग की क्लियर है नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेकर चलेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के अब हम देखेंगे कि हम रिप्रोडक्शन जो होती है उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या नहीं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे देखिए ये मैं आपको एनसीआर से क्लियर करवा रही हूँ ये टॉपिक ये इसके बेसिक्स एनसीआर से ही करने हैं दिस इज पेज नंबर फोर फर्स्ट चैप्टर नाउ रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स ठीक है जो मल्टी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है प्रोडक्शन होती है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजनी न्यू न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन होती है और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है जो ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग होती हैं उनके फीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट के समवट सिमिलर होते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा वैसे ही दो आइज़ होंगी वैसे ही नोज होगी वैसे ही लेग्स होंगी तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वे रेफर टू सेक्सुलर प्रोडक्शन इसमें हम जनरली नॉर्मली जो हम सेक्सुलर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन जो ऑर्गैनिज्म रिपोर्ड्यूस बाई सेक्सुअल मीन ऑल्सो लेकिन जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ए सेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं से जब करेंगे, तो दूसरा पेरेंट नहीं होगा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्व होने की वजह सेम डीएनए आगे जाएगा माइटोसिस होगी तो ऑर्गेनिज्म जो नेक्स्ट जनरेशन का होगा वह बिल्कुल सिमिलर बनेगा जो आपके पास पेरेंट जनरेशन थी फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इज

पैरेंट बॉडी के बिल्कुल सिमिलर दिखने लग जाएगी ये हाइड्रा का मैं एक रफली ऐसे एग्जाम्पल बना रही हूँ जब ये बर्ड पैरेंट बॉडी के सिमिलर दिखने लग जाएगी मॉर्फॉलोजिकली बिल्कुल वैसे ही होगी तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम की तरह अपनी लाइफ जीने लग जाएगी सर्वाइव करेगी और फिर फर्दर मेच्योरिटी गेन करेगी और उसमें से फिर बर्डिंग होगी इस तरह से आपकी यीस्ट इन बडिंग होती है वी ऑब्जर्व बडिंग इन प्लेनेरिया फ्लैट वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया जो होते हैं फ्लैट जो होते हैं उसमें रीजनरेशन होती है जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं अब देखिए इसमें ट्रू रीजनरेशन कैसे होती है फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है ये और इस ऑर्गेनिज्म को अगर हमने दो तीन हिस्सों में तोड़ दिया ठीक है किसी वजह से ये ब्रेक हो गया ये एक पार्ट आ गया ये सेकंड वाला पार्ट ही ये आ गया और ये थर्ड वाला पार्ट ये आ गया अब क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है जो ये वाला ब्रेक होके आया है ये वाला पार्ट ये ऊपर का ऑर्गेनिज्म बना लेगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगा और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये क्या करेगा अपने ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म पार्ट भी बनाएगा और नीचे वाला बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा और जो ये सबसे ऊपर वाला है ये क्या करेगा अपने नीचे के दो दोबारा से जनरेट कर लेगा तो ये प्लेनेरिया में ये प्रोसेस होती है रीजनरेशन हम इसको बोलते हैं इन प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेड इंडिविजुअल जो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया इंडिविजुअल वो लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप कर लेता है फंजाई के केस में क्या देखा है हमने फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू यूनीलुलर और लाइक यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ जब हम यूनील्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ से हमारा एक ही मतलब होता है क्योंकि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा कि सिंगल सेल होगा सिंगल सेल डिवाइड करेगा और दो में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या हुआ और ये जो ये सिंगल सेल जो दो ऑर्गेनिज्म बने हैं ये फर्दर आगे ग्रो करेंगे ठीक है ग्रो करेंगे और फिर ये भी आगे जाके क्या करेंगे डिवाइड कर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो साइनोनीमस है, सेम ही है क्यों क्योंकि ग्रोथ होगी रिप्रोडक्शन हुई रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन ही होगा दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्वल टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स जो म्यूल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती ठीक है वो स्टेराइल होते हैं यास्टेराइल वर्कर बीज होती हैं हनी भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं कुछ ह्यूमन कपल्स भी ऐसे होते हैं जिनको इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है और वो फर्टिलाइजेशन uh, नहीं कर सकते या फिर थर्ड जेंडर होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते तो इस केस में हम क्या बोलते हैं ऐसा तो नहीं है कि जो थर्ड जेंडर है वो लिविंग नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो फर्टाइल ह्यूमन इनफर्टाइल ह्यूमन है वो लिविंग नहीं है ऑब्वियसली वो भी जिंदा हैं तो हम जो रिप्रोडक्शन है अगर हम ये मान के चलते हैं कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होती है वो म्यूल्स में नहीं होती उसके अलावा हमारे पास हनी बी का एग्ज़ैम्पल है फिर थर्ड जेंडर्स होते हैं ठीक है इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेन्स रिप्रोडक्शन ऑल्सो नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लीकेटिंग बाई ऑफ कोर्स कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता हम ये सोच के आप कह सकते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता तो जो प्रोड्यूस कर सकता है वो लिविंग है लेकिन लिविंग में भी कुछ एक एक्सेप्शन ऐसी होती हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम क्या देखेंगे अन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है हमारी बॉडी में हमारे सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही होती हैं जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रही होती हैं वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ठीक है थीके? जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकती हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी अनदर कर

केमिकल रिएक्शन है और जब ये रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है तो हम उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं दीज कन्वर्जंस आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बारी में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं बी दे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑल प्लांट एंड एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म चाहे कोई यूनि सेल्यूलर हो चाहे कोई मल्टी सेल्युलर हो चाहे कोई माइक्रोब हो चाहे कोई फंजाई हो सब के सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज सेल के अंदर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनालीज हैं वो अपना काम करती हैं तो वहाँ पर सेल रिएक्शंस होती हैं सम टोटल ऑफ ऑल द लीड कैमिकल रिएक्शंस अक्रिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है ऑल केमिकल रिएक्शन जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है वो सारी क्या है मेटाबॉलिज्म है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म में कभी भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर जो होती हैं वो किसी नॉन लिविंग में कभी नहीं हो सकती आप इमेजिन करिए कभी पत्थर में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकती हैं रिएक्शन अंदर हो सकती हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसी और में कन्वर्ट हुआ कोई और फूड किसी और में कन्वर्ट हुआ जो कॉम्प्लेक्स थे वो ब्रेकडाउन होकर सिंपल

ंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको इसलिए हम क्या बोलते हैं जो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की या फिर इसी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है फाइनली तो ये सब क्या है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स

सकते हैं और भी कोई ऑब्जेक्ट पहले कहीं और रखा था अब कहीं और रखा है आपकी सेंस ऑर्गन आपकी आई उसको परसीव कर रही है कि थोड़ी देर पहले ये कहीं और था अब कहीं और है तो इस तरह की जो भी कॉन्शियसनेस है वो सारी किसके अंदर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी कोई भी कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस नहीं होगी बट्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवामेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल और वो जो स्टिमुलाई है वो फिजिकल भी हो सकता है वो कैमिकल भी हो सकता है और वो आपका बायोलॉजिकल भी हो सकता है स्टिमुलाई वी सेंस अवर थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स हम इन्वायरमेंट को कैसे सेंस करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू प्लांट रिस्पोंड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स पॉल्यूटेंट एक्सेट्राउंड प्लांट भी इन डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं इनके लिए एक स्पेशल टाइप की अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन uh, जिसको हम दोनों को साथ में एक रिस्पॉन्स वर्ड यूज़ करेंगे एक रिस्पॉन् जो सिम रिस्पॉन्स होता है प्लांट जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन उनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है फॉर एग्जाम्पल जिस तरफ लाइट आ रही होगी प्लांट अगर आपने पॉट को रूम के अंदर रखा है उसमें फ्ला, फ्लावर फ्लावर आ रहे हैं लीव्स आ रहे हैं तो विंडो की तरफ प्लांट जो होता है वो खुद ही झुक जाता है ठीक है तो वो टेम्परेचर को लाइट को सेंस किया ना प्लांट ने तो जो प्लांट्स होता है वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रो कैरियोर्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यू कैरियोर्ड्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल क्यूज एन्वायमेंटल क्यूज को सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग जितने भी होते हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्रो कैरियोर बैक्टीरिया जितने भी टाइप के आपके पास ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब के सब जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवॉरमेंट को फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर जो फोटो पीरियड होता है आपको जो प्लांट है उसको धूप थोड़ी देर के लिए चाहिए या ज्यादा देर के लिए चाहिए जिन प्लांट्स को धूप ज्यादा देर के लिए चाहिए वो प्लांट जो होते हैं वो गर्मियों में लगते हैं जिन प्लांट को धूप थोड़ी सी देर के लिए चाहिए वो प्लांट्स कब उठते हैं सर्दियों में उगते हैं तो जो फोटो पीरियड होता है वो रिप्रोडक्शन के रेट को सीजनल ब्रीडर्स में बहुत हाईली अफेक्ट करता है और ये जो फोटो पीरियड होता है ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के केस में एक्जिस्ट करता करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स human being is the only organism who is aware of himself that is has self consciousness जो human being होता है वो एक अकेला ऐसा organism है जो self conscious है आप conscious हो जाते हैं ना आपको पता है आपने सुबह school जाना है फिर शाम को आपको पढ़ना है बैठ के notebook बनानी है फिर आपको खेलना भी है सब कुछ करना है तो आपके अंदर एक self consciousness होती है कि हाँ अब मुझे ये करना है अब मुझे ये करना है लेकिन और organisms के अंदर ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो नहीं गई है। कॉन्शियसनेस बिकम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके स्टोन होंगे या नॉन लिविंग चीजें होंगी उसमें कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल एबसेंट रहेगी बाकी हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू